बंगाल में टीएमसी के सांसद कल्याण बैनर्जी ने सीता को लेकर दिया बेहद विवादित बयान, रावण के अपहरण करने को बताया सीता का सौभाग्य। टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी ने सीता अपहरण के हाथरस कांड से की तुलना। भाई जो तुम्हार चेहरा गुलो जो हरण कर नहीं जो तर उत्तर प्रदेश हाथरस धर्षिता मेटर मत अवस्था हो। बीजेपी ने टीएमसी सांसद के बयान को बताया निंदनीय, हावड़ा में बीजेपी नेता ने कल्याण बैनर्जी के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। बदले समाज ने टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी से बयान पर 24 घंटे के भीतर मांगी माफी, माफी नहीं मांगे जाने पर बड़े प्रदर्शन के लिए धमकी। बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी ने टीएमसी पर किया वार, कल्याण बैनर्जी के बयान को तुष्टीकरण की राजनीति बताया। बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी ने सीएम ममता पर किया सीधा वार, कहा ममता सरकार में पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर हुआ सबसे ज्यादा अत्याचार, हुए सबसे ज्यादा रेप। पश्चिम बंगाल में महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा रेप पश्चिम बंगाल में होता है, आप लोग जानते हैं। पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने टीएमसी सांसद के बयान पर जताया रोष। किसान आंदोलन के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, कई याचिकाओं पर होगी सुनवाई, बॉर्डर पर डटे किसानों का मुद्दा। किसानों ने कहा किसानों से जुड़े मुद्दे का कोर्ट के पास नहीं है हल, इसे देश के राजनेताओं को सुलझाना होगा। किसानों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण और दुष्यंत दवे करेंगे पैरवी, किसान संगठनों ने लिखित में कोई भी जवाब देने से इनकार किया। अटॉर्नी जनरल ने भी मौखिक तर्कों की बात कही, बोले लिखित में कुछ भी दाखिल नहीं होगा। सुबह 11:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो सकती है सुनवाई। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आम आदमी पार्टी पर किया वार, किसानों की पीठ पर छुरा घोंपने का लगाया आरोप, कोर्ट में दी 5 याचिकाओं में 4 आप कार्यकर्ताओं की होने का दावा। सीएम अमरिंदर ने दिल्ली में सीएम केजरीवाल पर लगाया आरोप, बीजेपी के इशारे पर किसानों से खेल रहे घिनौना खेल। राजस्थान के बीजेपी विधायक मदन दिलावर का विवादित बयान, कहा चिकन बिरयानी खाने वाले प्रदर्शनकारी किसान बर्ड फ्लू फैलाने का रच रहे षड्यंत्र। यदि इस प्रकार से मुर्गे खाएंगे और सब सामूहिक रूप से रहेंगे तो बर्ड फ्लू बढ़ने की पूरी आशंका है, इसका प्रकोप तेज गति से फैल सकता। बीजेपी विधायक मदन दिलावर के बयान को कांग्रेस ने बनाया हथियार, अजय माकन बोले दिलावर के बयान से सामने आई किसानों के प्रति बीजेपी की मानसिकता। टोंक में बोले कांग्रेस नेता सचिन पायलट, केंद्र कृषि कानूनों को ले वापस। 2 दिवसीय टोंक दौरे पर पहुंचे सचिन पायलट ने बैलगाड़ी से भी किया सफर, बोले भूखे प्यासे किसानों के साथ खड़ी है कांग्रेस। फिराद हकीम ने कहा सीएम ममता किसानों की जमीन के लिए लड़ रही है जंग, लेकिन बीजेपी कर रही है किसानों की हत्या, दिल्ली बॉर्डर पर मरते किसानों से बेपरवाह सरकार। कोलकाता के मेयर और टीएमसी नेता फिराद हकीम का बीजेपी पर वार, कहा जो लोग पूंजीपतियों को बेचना चाहते किसानों का भविष्य वो बना रहे बहाना। किसानों के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल में जुड़ी सियासी जंग, टीएमसी ने बीजेपी के किसानों की चिंता को झूठा करार दिया। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने किया पलटवार, किसानों के हित के लिए टीएमसी के संकल्प पत्र को बताया सीएम ममता की नौटंकी। कृषि कानून पर सरकार को पटकरी देने की कोशिशों में जुटे किसानों ने खेला असली दंगल, गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन के दौरान हाईवे पर लड़ी कुश्ती। हाईवे पर किसानों के अखाड़े में महिला रेसलर ने भी आजमाए हाथ, जमकर दिखाया दंगल का दमखम। अमृतसर में महिलाओं ने कृषि कानून के विरोध में जलाई इसकी कॉपियां, गिद्दा कर मनाई लोहड़ी, दिल्ली से सटी सरहदों पर डटे हैं इन महिलाओं के पति। इनक्लेव दे वासी कि जो ये साडे नाल कानून बना के किसानों दे नाल माड़ा किया जा रहा है, मोदी साहब नु चाहिदा है कि वो कानून वापस ले। जोर पकड़ता किसान आंदोलन अब शहर दर शहर, गांव दर गांव पहुंचा, मानसा में दूल्हा दुल्हन किसान संगठनों के झंडे लेकर डांस करते आए नजर। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार में मंत्री तुलसी सिलावट का बयान, किसानों को देश में कहीं भी अनाज बेचने की छूट, लेकिन बंद नहीं होगी मंडी, समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा अनाज। पीएम मोदी आज मुख्यमंत्रियों से करेंगे वर्चुअल संवाद, कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण पर होगी चर्चा। मुख्यमंत्रियों से पीएम का वर्चुअल संवाद 4 बजे होगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का बयान, 16 जनवरी को पहले चरण के टीकाकरण के लिए 3 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स का किया गया चयन।
योगी सरकार ने कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण के लिए कसी कमर। यूपी में आज टीकाकरण के ड्राई रन का फाइनल राउंड। पूरे यूपी में 1500 साइट पर होगा टीकाकरण का अभ्यास। बीजेपी नेता तथागत रॉय का सीएम ममता पर वार। केंद्र से भेजी वैक्सीन को अपना बताकर मुफ्त बांटने का किया ऐलान। उठाना चाहती है चुनावी फायदा। दिलीप घोष ने सीएम ममता बनर्जी पर लगाया आरोप। केंद्र की योजनाओं का नाम बदलकर लागू करती है ममता ताकि उन्हें मिल सके इसका लाभ। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय का बयान। पश्चिम बंगाल में कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण का लाभ लेने में अभी से जुटी ममता। पुरुलिया में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की सभा में विरोध प्रदर्शन। कहा भीड़ देखकर टीएमसी का खराब हो गया दिमाग। दिल्ली में बर्ड फ्लू पर आज आएगी जांच रिपोर्ट। पूर्वी दिल्ली के एक पार्क में मरे मिले कौओं का भेजा गया था सैंपल। एहतियात के तौर पर दिल्ली में गाजीपुर मंडी के साथ ही बंद किए गए 4 पर्यटन स्थल, लेकिन चिकन शॉप पर धड़ल्ले से हो रही बिक्री। यूपी में बर्ड फ्लू के मद्देनजर लखनऊ के बाद अब कानपुर में बंद किया गया चिड़ियाघर। चिड़ियाघर में खाने के मेन्यू में बदलाव, रोकी गई चिकन की रेसिपी। मध्य प्रदेश के 13 जिले में बर्ड फ्लू की पुष्टि। अब तक 27 जिले में 1100 कौओं की मौत। शिवपुरी में भी बर्ड फ्लू की दस्तक। मरे मिले 4 कौओं में बर्ड फ्लू की पुष्टि। मुर्गी में अभी तक बर्ड फ्लू का कोई केस नहीं। झाबुआ में 6 मोर मृत मिले। बर्ड फ्लू की जांच के लिए भेजा गया सैंपल। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में 24 से ज्यादा पक्षियों की मौत। बर्ड फ्लू की जांच के लिए भेजा गया सैंपल। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बीच 200 से ज्यादा प्रवासी पक्षियों की मौत। पोंग डैम इलाके में पाए गए पक्षी। हिमाचल में अब तक बर्ड फ्लू से 4000 से भी ज्यादा पक्षियों की मौत का अनुमान। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे असम। सिलचर से शुरू करेंगे विधानसभा चुनाव का प्रचार। असम में इसी साल अप्रैल मई में होने हैं विधानसभा चुनाव। बीजेपी ने शुरू किया विजय संकल्प समावेश मिशन। पीएमसी बैंक घोटाले में शिवसेना नेता संजय राउत की पत्नी से ईडी की पूछताछ। आज ईडी ने वर्षा राउत को भेजा समन। 5600 करोड़ के घोटाले की तफ्तीश के दौरान ईडी ने शिवसेना विधायक की कंपनी से जुड़े 112 प्लॉट कब्जे में लिए। एनएसईएल घोटाले से जुड़ा मामला। यूपी में आम आदमी पार्टी ने ठोकी चुनावी ताल। यूपी में हर चुनाव लड़ने का किया ऐलान। सोमनाथ भारती को सौंपा गया रायबरेली, अमेठी और प्रयागराज का प्रभार। हिमाचल के ऊना में नगर परिषद की सभी 6 सीटों पर बीजेपी का कब्जा, कांग्रेस खाली हाथ। हिमाचल के बिलासपुर में निकाय चुनाव में लहराया भगवा। 11 वार्डों पर 7 पर बीजेपी और 4 पर कांग्रेस की जीत। चेन्नई में किसान आंदोलन को समर्थन देने वाले बुजुर्ग ने की खुदकुशी। यूपी की बस्ती पुलिस ने ट्रिपल मर्डर केस में 3 आरोपियों को दबोचा, हथियार बरामद। आजमगढ़ में सेल्समैन से लूट की वारदात, सीसीटीवी में कैद, बाइक सवार अपराधी फरार। देश में कड़ाके की ठंड के बीच जम्मू कश्मीर में बर्फीले तूफान का अलर्ट। रामबन, किश्तवाड़ और बांदीपुरा में एवलांच की आशंका। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी के बाद राज्यपाल ने घोषित की प्राकृतिक आपदा। एसडीआरएफ ने संभाला मोर्चा। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी की आपदा से प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू वाहन, एम्बुलेंस की फौरन भेजी गई मदद। अगरतला में 5 दिनों के एडवेंचर महोत्सव का आयोजन। फायर बलून से लेकर तीरंदाजी तक का लोग उठा रहे लुत्फ। राजगढ़ की तानिया डागा 43 दिन में साइकिल से 3800 किलोमीटर किया सफर। इतना लंबा सफर करने वाली देश की पहली पैरा साइकिलिस्ट बनी। छपरा में नाबालिग लड़की ने की खुदकुशी। परिजनों ने गांव के 2 लड़कों पर छेड़खानी करने का लगाया आरोप। गुटनौरा में अवैध शराब के अड्डे पर पुलिस की छापेमारी के दौरान बरामद हुए 2 शव। भारी मात्रा में अवैध शराब भी बरामद। दिल्ली पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान बदमाश अथर रहमान को किया गिरफ्तार। यूपी के सिंगरौली में 240 क्विंटल धान के साथ पकड़ा गया ट्रक। यूपी से खरीद कर मध्य प्रदेश में अवैध बिक्री के लिए जा रहे थे कारोबारी। हाजीपुर पुलिस ने अगवा लड़की को छुड़ाया। अपहरण के आरोपी 2 महिलाएं गिरफ्तार। छपरा पुलिस को मिली कामयाबी। दारोगा सिपाही हत्याकांड में लूटी गई AK-47 और पिस्टल बरामद। आरोपियों ने किया सरेंडर। मध्य प्रदेश के सिवनी में वन विभाग के कर्मचारियों की चप्पल से पिटाई। अतिक्रमण हटाने पर खफा महिलाओं ने पीटा। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के विरोध का दिखा एक और रूप। फ्री में लोगों के जूते पर की पॉलिश। ग्रेटर नोएडा पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। 4 बदमाश गोली लगने से हुए घायल। इनके 3 साथी हुए फरार। नोएडा के शाबेरी इलाके में एक शोरूम में लगी आग, हुआ भारी नुकसान। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। गौशाला में आतंकियों ने बनाया था अड्डा। मौके से भारी मात्रा में हथियार बरामद। गौशाला के भीतर लश्कर के आतंकियों ने बना रखी थी सुरंग। सुरक्षा बलों को कई आपत्तिजनक चीजें मिली।
सुरक्षा बलों ने एक संदिग्ध को किया गिरफ्तार, लश्कर के आतंकियों की मदद करने का आरोप। नासिक में नाबालिग से गैंग रेप, 6 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों में एक नाबालिग। बिहार के मोतिहारी में कुख्यात अपराधी कमरुद्दीन उर्फ ढोलकवा को पुलिस ने नासिक से किया गिरफ्तार। ढोलकवा पर हत्या, रंगदारी और लूट के 21 से ज्यादा मामले। पश्चिम बंगाल के नादिया में घर से सदस्यों को बंधक बनाकर लाखों की लूट, रुपए गहने और सामान ले गए चोर। फतेहाबाद में चोरों ने ज्वेलरी शॉप को बनाया निशाना, लाखों के गहने लेकर फरार, तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। चेन्नई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को मिली बड़ी सफलता, 329 ग्राम सोने के साथ एक शख्स गिरफ्तार। उज्जैन में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 51 लाख के 1.5 क्विंटल गांजे के साथ एक गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में ड्राइवर के बस ना रोकने पर डरकर बस से कूदी 2 लड़कियां, बस ड्राइवर पर पुलिस कर रही कार्रवाई। सिडनी टेस्ट में मुश्किल में टीम इंडिया, दूसरी पारी में विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए खोए 3 विकेट। ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को दिया 407 रनों का लक्ष्य, भारत अभी लक्ष्य से करीब 200 रन पीछे। भारत ने दूसरी पारी में पार किया 200 का आंकड़ा, रोहित शर्मा ने जड़ा शतक, कमिंस का बने शिकार। शुभमन गिल 31 रन पर पवेलियन लौटे, हेजलवुड ने लिया विकेट, रहाणे ने महज 4 रन बनाए, लियोन ने झटका विकेट। चेतेश्वर पुजारा 41 और ऋषभ पंत 73 रन बनाकर क्रीज पर डटे, आज मैच का 5वां और आखिरी दिन। सिडनी टेस्ट में लगातार दूसरे दिन क्रिकेटर मोहम्मद सिराज पर नस्लभेदी टिप्पणी, ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों ने फिर किया अभद्रता। कप्तान राणे ने अंपायर से की शिकायत, टेस्ट के 4थे दिन करीब 15 मिनट तक रुका रहा खेल। टिप्पणी की शिकायत के बाद आरोपी दर्शकों पर एक्शन, किए गए मैदान से बाहर। बीसीसीआई ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से जताया सख्त एतराज, विराट कोहली ने भी सख्त कार्रवाई की उठाई मांग, का ऐसा बर्ताव बर्दाश्त नहीं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भी की घटना की निंदा, टीम इंडिया को दिया एक्शन का भरोसा। पाक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक ने कार से 3 गाड़ियों को मारी टक्कर, कार क्षतिग्रस्त, कोई घायल नहीं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का ऐलान, नियम जल्द होगा 0 कार्बन सिटी। स्पेन में भारी बर्फबारी, हवाई तस्वीरों में हर तरफ बिछी दिखी बर्फीली सफेदी। इंडोनेशिया में समंदर से मिला क्रैश हुए यात्री विमान के इंजन का मलबा, क्रू मेंबर समेत 62 यात्री हैं लापता।